अज 21 अक्तूबर अस महाराज गुलाब सिंह जी की सालगिरह मनाया करने हैं। ये साढ़े वास्ते बड़े गौरव का दिन है क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी ने गए जम्मू कश्मीर रियासत की स्थापना की। उन्हें महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1822 च जियो पोत अपने हथे कन्ने राज तिलक दिता राजा बनाया क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी बड़ी सेवा की। उन्हें कई बार जरनैल रहे, कई बार उन्हें उनकी जान भी बचाई। तो उन्हें दिता राज तिलक इं दिता तो पंडित आखन लगे नहीं महाराज उपर ही देंगे उस दिन ही मैं चाहना इसकी जड़ा जड़ियाँ वो जमीन में मजबूत रहो। और देखो उनके आशीर्वाद कारण उनका परिवार तो समाप्त हो गया लेकिन अस चला गए। वो फिर 1846 जो महाराजा जम्मू कश्मीर ऐलान किया गया उनका। और डोगरा फौज ने उस तो पहले गए डोगरा लोग जम्मू और कांगड़े दे और बिलासपुर वगैरह हिमाचल दे ये फौज जाइए ये लड़ी उन्हें इलाके ने लड़ी जिसे आजकल पूजना क्या मुश्किल है। बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर उन्होंने लड़ाइयाँ की थी। और उस वे कोई विकास ये गैस मास के दुए मास कोई नहीं है। किस तरीके ने वो गए जनरल जोरावर सिंह जैसे एक विश्वविख्यात जनरल जनरल बाज सिंह कियाँ उन्हें वो इलाके फतेह किए जेडे हिंदुस्तान का हिस्सा भी नहीं है। और तांगे साड़ी रियासत जी है असें भारतवती सीमा चीन और रूस तक पहुँचाई। ये बखरी गल है कि 1947 अद्धी रियासत साढ़े हथे निकली और हूँ तो रियासत के बिल्कुल खत्म हो गई है। ये गल असें पसंद नहीं आवा दी है जी रियासत महाराज गुलाब सिंह जी ने स्थापित की वो कम से कम उसी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए हिंदुस्तान में। कियाँ हो सकता कि तुम डाउन करते हो कि महाराज गुलाब सिंह जी तुम अपमान करा करते हो ये असं स्वीकार नहीं है। कि खैर मैं अस इस दिन ही करते होंगे महाराज गुलाब सिंह जी मोरल ट्रस्ट अस एक रिवॉर्ड अवार्ड देंदे होंगे पिछले साल 18-20 साल तो करते रहे इस साल नहीं करी सके अस कोविड की वजह कने ना अवार्ड दे सके तो ना अस जलसा करी सके। लेकिन इस संदेश के जरिए मैं सारे जो बुजुर्ग जो साथी हैं जो नौजवान साढ़े साथी हैं साढ़े सारे मैं ये अनुरोध करना कि अपने जरा डोगरा अस्तित्व है थोड़ा आइडेंटिटी उस विच अपने मतलब गंभीर होना और उसकी मजबूत करना डोगरा भाषा की और जेडे जेडे कारनामे साढ़े बजुर्गें कीते उनकी कदर करी रहना चाहिए तुसें और तुसें भी अपने आप ही इस तरीके ने ढालना चाहिए उसे अग्गे बधाचे पिछे नहीं होने। बड़ा बड़ा धन्यवाद थोड़ा नमस्कार जी।